सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माशाल्लाह गुड सेल। आज माशाल्लाह गुड सेल में हमारे ताहिर भाई के बकरे हैं, जो कि कर्नाटक के बकरे हैं, एकदम बटन कान में बहुत अच्छा स्टॉक लेके आते हैं भाई ताहिर भाई। तो ख़ास इनकी एक वीडियो बनाया मैं मेरे चैनल पे, बाहर कोई और मैं वीडियोस नहीं बनाता, लेकिन इनका जानवर बहुत अच्छा रहता मेरे व्यूअर्स के को बताने के लिए। जो है मैं ताहिर भाई के पास आया। अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई, खैरियत से है ताहिर भाई? हमारे ताहिर भाई है, ये इनके बकरे हैं। आइए एक एक से बताएंगे। ये देखिए आप, ये ब्लैक कलर में है और इसके जो बाल है वो भी घुंघरू बाल है, शॉर्ट, थोड़े बड़े कान है इसके और मच्छा ब्रीड में है। ये सिंग भी अच्छे निकले हुए हैं, देखिए शाइनिंग में है बकरा। और एक बार जो है सिंग खिंचा देना उसकी। ये देखिए, ये भी माशाल्लाह अच्छा है, कबरा में है बच्चा, ये वाइट कलर पैरों पे और शॉर्ट कान है इसके, ठीक है, और सिंग भी अच्छे आए हुए हैं। जरा आओ सामने, मैं ताहिर भाई कितने महीने के है बच्चे? जी भाई 4.5-5 महीने के बच्चे रहते होंगे। 4.5-5 महीने के। लाइफ वेट कितना होगा इसमें? जी लाइफ वेट होगा भैया 12-13 किलो के बच्चे होंगे। 12-13 किलो लाइफ में? हाँ दिख रहे तो सही, 12 से 13 किलो है उसमें, और बड़े भी है बच्चे। बच्चे बड़े भी, बच्चे भी है। हाँ पूरों के सिंग भी खिंचा लेना पड़ता। हाँ, एक बार खिंचा लेना पड़ता। ये देख सकते हैं आप, ये गिलेरी में है बच्चा, कर्नाटक में गिलेरी में बच्चा है। और ये देख सकते हैं कान भी शॉर्ट कान है, अच्छा बड़ा हैवी में है ये। ये ऑलमोस्ट दिख रहे में भी 16-17 केजी तक के है ये बच्चे। 16-17 किलो के बच्चे। हाँ ताहिर भाई तो कम बोल रहे हैं, एक नॉलेज के, मेरे नॉलेज के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, बड़े बच्चे हैं। और ताहिर भाई क्या रेट कोट कर रहे हैं इसका? जी भाई 7,000 रुपये कोट कर रहे हैं। 7,000 रुपये, इसमें कुछ कम होगा क्या? 7,000 ठीक है भाई। मेरे माशाल्लाह गोट सेल से अगर अगर कोई भी अगर कस्टमर अगर माशाल्लाह गोट पाएंगे, अगर चैनल से अगर आएंगे इंशाल्लाह, तो जो भी है वो नेगोशिएबल कर देंगे उसके अंदर भी भाई, 7,000 के अंदर भी नेगोशिएबल कर देंगे। चलो शुक्रिया भाई। तो ये हमारे ताहिर भाई के बकरे थे, और अभी इंडिविजुअल भी एक एक मैं बताऊंगा स्क्रीन पे, आप देखिए उसको। और जैसे कि मैं स्टार्टिंग में बोला था, ताहिर भाई के पास अच्छे जानवर आते, और ये डायरेक्ट हबली से मंगाए सो है, जो कि कर्नाटक में आता, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन का वो आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको हैदराबाद में अवेलेबल मिल रहा जानवर, ठीक है। तो देख सकते हैं आप, खजूरी कान है और गीट वाली जो सिंग आती है ना, वो वाली सिंग है, बहुत मजबूत सिंग रहती। एक बार अगर सिंग खिंचा दिए उसके बाद इंशाल्लाह आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, जानवर बहुत अच्छा होता। जैसा कि कर्नाटक ब्रीड एकदम तेज़ रहता, और हाइट में भी इंशाल्लाह बहुत अच्छा होता है, लड़ाई के लिए भी अच्छा रहता तेज़ बकरा। ये देख सकते हैं आप, जैसे कि डार्क ब्लैक, ठीक है, और इसके अंदर बड़े कान के भी बकरे हैं और छोटे कान में भी है, ठीक है। इसी तरह के डेली वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करिए फिर चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।